जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। इससे बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कि आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज की महाउपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जब आरती करते समय आपका दीपक बुझ जाए तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या इस बात को यूं भी कहा जा सकता है कि जब आप भगवान की आरती करने जा रहे हो तो आपको आरती करने से पहले किन बातों और किन परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप आरती कर रहे होते हैं और आरती करते के समय में आपसे या किसी भी माध्यम से दीपक बुझ जाता है तो ऐसे में हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग चिंतित हो जाते हैं, हमारे मन में होनी अनहोनी की बातें आने लगती हैं। एक छोटा सा वाक्य यहाँ आपको बताऊंगा। मैं एक परिवार में आमंत्रित था, उस दिन मैं बच्चे का जन्मदिन था, मैं गया हुआ था और बच्चे की अवस्था भी ठीक ठाक थी, 16-17 साल का लड़का था, 11th से वो 12th में गया था, ये पिछले साल की घटना है। तो उसने बहुत डिमांड की थी अपने परिवार से, अपने अभिभावकों से कि मुझे एक साइकिल चाहिए और साइकिल भी कोई आम छोटी साइकिल नहीं चाहिए, स्पोर्ट्स साइकिल चाहिए बच्चों को स्कूल जाने के लिए। तो उनके घर वालों ने उनको उस दिन उनके जन्मदिन पर ला करके वो भेज दिया। बच्चे की दादी ने आरती करना चाहा कि भाई बच्चे के लिए पहली चीज आई है, पहला वाहन बच्चे का आया है, तो बच्चे को भी उन्होंने साथ खड़ा किया। बच्चा थोड़ा सा शरारती था, पता नहीं किस प्रकार से दादी ने आरती की और आरती की थाली बच्चे को दी कि बेटा अब तुम भी आरती कर लो, इसका प्रयोग तुम्हें करना है। बच्चे ने किस माध्यम से प्लेट ली और वो पूरी की पूरी आरती की थाली वहां सबके सामने देखते देखते उलट गई और दीपक छटक के दूर गिरा। अब वो तो धर्मभीरु लोग थे, दादी के मन में नाना प्रकार की आशंकाएं होने लगी कि ये साइकिल जो है बच्चे के लिए सूट नहीं करेगी, अच्छी तिथि और नक्षत्रों में नहीं आई है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर वातावरण खराब हो गया। तो दादी ने अपने मन की बात मेरे से कही कि आप ही बताइए, आप ही हमारा मार्गदर्शन करिए। तो ऐसे में मेरा सबसे पहला काम था कि उनके मन में जो डर बैठा है उसको दूर किया जाए और उनको सांत्वना दी जाए कि ऐसी कहीं कोई अनहोनी नहीं है, बच्चों के को आपने इन्वॉल्व किया पूजा में, शायद इस गलती से हो गया हो, तो इसमें किसी भी प्रकार की अनहोनी को आपको नहीं ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, गलती हो गई, दोबारा से आप आरती कर लीजिए, जो भी क्षमा याचना है, जो भी अनहोनी होने वाली है या जो भी जाने अनजाने गलत हुआ, पाप हुआ, उसके लिए आप देवी देवताओं से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। तो इस तरीके से लोगों के मन में छोटी छोटी बातों से शंकाएं आती हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार आरती करने में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी देवी देवता का पूजन आरती के साथ ही पूर्ण माना जाता है, इस कारण आरती के संबंध में कई सारे नियम हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार आरती करते समय दीपक का बुझना एक अपशकुन माना जाता है, इसी वजह से इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि पूजा आदि कर्म जब तक पूर्ण ना हो जाए तब तक वहां पर दीपक जलते रहना चाहिए। आरती के अलावा भी एक दीपक वहां पर प्रज्वलित करते हैं जो आपकी पूजा अनुष्ठान का साक्षात एक प्रत्यक्ष गवाह होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि पूरी सावधानी के बाद भी दीपक बुझ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। जो सुझाव मैंने उन माताजी को दिया था, उस परिवार की दादी अम्मा को दिया था, तो आइए जानते हैं। यदि किसी कारण से आरती करते समय दीपक बुझ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि जिस मनोकामना के लिए आप पूजा या अनुष्ठान कर रहे थे उसमें किसी न किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने जा रही है। साथ ही ये भी संकेत होता है कि हमारे द्वारा पूजन में कोई त्रुटि रह गई है या कोई कमी रह गई हो जिसकी वजह से भगवान ने आपकी उस पूजा आराधना को, आपकी उस भावना को स्वीकार नहीं किया। अतः भगवान से अपनी क्षमा याचना आपको तत्काल ही कर लेना चाहिए।
शास्त्रों में भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई सारे मार्ग बताए गए हैं। ये अलग अलग विधियां भगवान की प्रसन्नता हमें दिलाती हैं, जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सबसे अधिक प्रचलित उपाय है भगवान की आरती करना। तो आरती करते समय यदि दीपक आपका बुझ जाता है आपसे किसी भी माध्यम से, तो आपको तत्काल ही बिना समय गंवाए ही भगवान से क्षमा याचना करते हुए पुनः दीपक जला करके आरती कर लेनी चाहिए। साथ ही जिस कार्य के लिए पूजा या अनुष्ठान किया जा रहा है उस कार्य को करते समय भी आपको पूरी सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा आपको सफलता प्राप्त करने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, काफी दिक्कतें आ सकती हैं। ये तो बात रही कि अगर पूजा करते समय दीपक बुझ जाए तो आप क्या करें, आप तत्काल ही देवता से क्षमा प्रार्थना करें और अपने कल्याण की प्रार्थना करें, उनसे बात कर लें कि भैया अगर कहीं से कोई गलती या अनहोनी होनी है तो उसको आप क्षमा करें, हमारे परिवार से दूर रखें, हमारा आप कल्याण करें। ये तो बात रही दीपक आरती करते समय की। जब आप आरती करने के लिए दीपक तैयार कर रहे हो तो दीपक को तैयार करते समय किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए? आरती के लिए दीपक तैयार करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि दीपक में पर्याप्त मात्रा में तेल या घी रखा जाए। दीपक की बाती जो कि रुई की बनाई जाती है वह भी अच्छे से बनाया जाना चाहिए। साथ ही पूजा अर्चना करते समय उस क्षेत्र में पंखा या कूलर इत्यादि का चलना या चलाना, तेज हवा से दीपक का बुझना जो है वह ठीक नहीं होता है, तो ऐसे में दीपक आपका बुझ सकता है, उसको भी बंद कर देना चाहिए। पूजन कार्य में साफ सफाई का, शुद्धता का, पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान की आराधना से पहले स्वयं को भी अच्छे से आप पवित्र कर लें और फिर उसके बाद आप अपनी पूजा आराधना करें और उसके उपरांत आरती इत्यादि करें, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो आज की महाउपाय में हमने जाना कि भगवान की आरती करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।